नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाड़ी के एमआईडीसी टी पॉइंट चौक में शिवसेना का आंदोलन, संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नागपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर की गई ठगी, चार ठग भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। और मंसर का बाबा बर्फानी मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला, महाराज मंडली समेत सैकड़ों नागरिक थे उपस्थित। वाड़ी एमआईडीसी टी पॉइंट चौक में शिवसेना युवा सेना ने सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। 1 अगस्त सोमवार को यह विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले हाईवे पर धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई वापस लेने की मांग की। शिवसैनिकों का आरोप है कि ईडी ने बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की है। इस मौके पर शिवसेना हिंगना विधानसभा संपर्क प्रमुख दिवाकर पाटने, वाड़ी शहर प्रमुख मधु मानके पाटिल, तालुका प्रमुख संजय अनासाने, विलास भोंगड़े, युवा सेना हिंगना विधानसभा संगठक प्रमुख अखिल पोहनकर, तालुका प्रमुख सचिन बोमले, तुषार डेरकर, जगदीश कन्हेर, राजेंद्र कोल्ले, रचना कन्हेर, अनिता ढाकरे, चित्रा साईने, सुकन्या थड़कर, दिनेश तिवारी, उमेश महाजन, नरेश मसराम, सचिन पाटिल, विजय फुलसुंगे, अक्षय राउत, प्रमोद जाधव, पुरुषोत्तम गोरे, शिवम राजे, गौरव उंगले, अजय देशमुख, कमल ताइडे, गुलशन शेंडे, दिवानजी रहांगडाले, तारुष बांद्रे, संतोष कांढेरकर, अमित सावरकर, हसन राजा, धनराज लांडगे, सुबोध जांबुलकर, विघ्नेश तेलुटे, रुपेंद्र फुले, आदर्श अभ्यंकर, भोजराज भोंगड़े, राजू घनघवे, चंद्रशेखर येवले, साहेबराव बोवाड़े, चंद्रशेखर देशभत्ता, बयाजी सातपुते, सद्दाम शेख उपस्थित थे। पूर्ण महाराष्ट्र हादरलेला आहे, सगळे शिवसैनिक रस्त्यावर आहेत। आमची एकच मागणी आहे की काहीही गुन्हा केला नसताना फक्त शिवसेना संपवण्याच्या नादात तुम्ही आमच्या नेत्याला अटक केलेली आहे आणि त्यांना लवकरात लवकर बाहेर सोडावं अशी आमची मागणी आहे। तसेच या मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यपालांनी आमच्या महाराष्ट्राला अक्षरशः पायदळी तुडवलेलं आहे। अतिशय वाईट आणि खेदजनक जे वक्तव्य केलेलं आहे त्यांनी ते मागं घ्यावं, माफी मागावी आणि त्या प्रकरणात केंद्र सरकारनं त्यांना परत बोलावं अशी आमची मागणी आहे। आणि ही मागणी झाल्याशिवाय आम्ही महाराष्ट्रभर आमचे आंदोलन थांबवणार नाही। घेण्याच्या पाठीमागे असं कारण आहे की मागच्या 4-5 दिवसापासून हिंगणा विधानसभेचा संपर्क करून राजेंद्र पदाडी यांचे काम करून बसले होते, मुक्काम करून बसलेले होते। त्यांच्यासोबत मी विधानसभेमध्ये जवळपास 4 दिवस गेली होत, त्यांनी चाचपणी केली। पार्टीचे पदाधिकारी आणि शिवसैनिक कोणासोबत आहे ते पाहायला आले होते, परंतु एकंदरीत त्यांना दिसून आले की सारी पार्टीचे पार्टी हे उद्धव साहेबाच्या मागे आहे। भलेही 40 लोक गेले असेल, त्यांच्या पाठीमागं नागपूर जिल्ह्याचा शिवसैनिक एकही नाही आहे। मागच्या 2-2.5 वर्षापासून साधारणतः संजय राऊत साहेबांना त्रास देणं चालू केलेलं होतं आताच्या सत्तारूढ पार्टीने, परंतु तो त्रास सहन करता त्यांनी आजपर्यंत वेळ काढलेला होता। परंतु जे सत्य होते ते सांगत होते, मी भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि भ्रष्टाचारीने शिवसेना हे भ्रष्टाचार खपून घेत नाही आणि भ्रष्टाचारी लोकांची कॉलर पकडायला आम्ही मागं पुढं पाहत नाही। त्यामुळं काही नाही काही निमित्त सापडून पत्राचाळ नावाची चाळ त्याखाली भ्रष्टाचार केला, 50-60 लाख 50-60 हजार करोडचा घोटाळा केला, 10 लाख रुपये त्यांच्या घरात सापडलं, ते पार्टी फंड होते काय होतं, ह्या पद्धतीने उलटा सीधा आरोप करून
त्यांना आतमध्ये टाकलं आजच्या परिस्थितीमध्ये. आणि जे लोक आतमध्ये टाकलेले आहेत, नवाबमध्ये टाकलेले, आणखी कितीतरी लोक बरेच टाकण्यात येतात. रोज आम्ही पाहतो आहे की आमचे अनिल आतमध्ये टाकलं जाईल, अमुक टाकलं जाईल, जमून टाकलं जाईल. मग यांच्यापैकी कोणी काय जात नाही, त्यांच्यावर काय ईडी लागत नाही. यांचेच घरं का स्वस्त छोटे होते, आम्ही बघितलेले होते त्यांचे लहान लहान फ्लॅट असताना, लहान लहान घर असताना त्यांचे मोठे मोठे बंगले झालेले आहेत. ते कशामुळे झाले, त्यांनी का भ्रष्टाचार केलेला नाही आहे का? मग ही परिस्थिती निर्माण झालेली असताना हा प्रश्न निर्माण होतो की आम्ही सापडतो का? आणि आमची धडधडती तोफ जी आहे त्यांना उचलून आतमध्ये टाकलं. आणि आम्हाला सर्व मार्गदर्शन मिळालेलं, सर्व निर्देश मिळालेले आहे की जोपर्यंत संजयजी राऊत बाहेर निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबवायचं नाही. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंदोलनाची रूपरेखा तयार झाली. VKB न्यूज के लिए वाड़ी से विलास मांडेकर की रिपोर्ट. नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन पूर्व नागपुर की ओर से 9 अगस्त मंगलवार को भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया. इस रैली में 500 से 600 तक बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहने वाले. रैली की शुरुआत पार्टी से होकर डिप्टी सिग्नल पर समापन होगा. 9 अगस्त मंगलवार को विश्व मूलवंशी आदिवासी दिवस के अवसर पर नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है. इस भव्य बाइक रैली की शुरुआत सुबह 11 बजे पार्टी से होगी, जबकि समापन शाम 5 बजे डिप्टी सिग्नल पर होगा, जिसके बाद सामाजिक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है जो कि संगठन का मुख्य उद्देश्य होगा, और उसके बाद भोजन का भी आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सभी आदिवासी एक हो जाए और अपने अधिकारों के लिए लड़े. इस भव्य बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे. ये नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन संगठन के द्वारा पूर्व नागपुर में हम लोग रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिस रैली में 500 से 600 हमको निवेदन आ चुके हैं कि हम रैली में सहभागी होंगे, और बड़ी संख्या में संभावना भी है कि बड़ी संख्या में लोग रैली में उपस्थित रहेंगे. और रैली में उपस्थित रहने के वजह से हम लोग आने वाले समय में संगठन को विशाल स्वरूप देना चाहते हैं. और संगठन की जो रैली की शुरुआत पारडी से शुरुआत की जाएगी, तो पारडी से डिप्टी सिग्नल में समापन होगा, और उस डिप्टी सिग्नल में समापन होगा उसके उपरांत वहां हमने एक सामाजिक प्रबोधन का कार्यक्रम का आयोजन किया है जो संगठन का मुख्य उद्देश्य है. और उस कार्यक्रम में हमने सांस्कृतिक नृत्य यानी गोंडी सांस्कृतिक नृत्य का भी आयोजन किया है, और उसी आधार पर हमने वहाँ लोगों के लिए भोजन का भी आयोजन किया है. तो मैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है. इस कार्यक्रम का जो मकसद है कि संपूर्ण गोंडियन आदिवासी जो लोग हैं वो एक हो जाएं और अपने हक अधिकारों की लड़ाई किस पद्धति से करें, ये हम इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को मैसेज देना चाहते हैं. क्योंकि जब कार्यक्रम किया जाता है तो कार्यक्रम करने के बाद में, उसके बाद में भी हमारे पास में दूसरा विकल्प हमारे पास में रेडी रहना चाहिए. तो कार्यक्रम करके हम लोग सिर्फ कार्यक्रम करना नहीं चाहते, कार्यक्रम करके लोगों में जन जागृति करना, एक जागृति कर एक उनके हक अधिकारों के लिए आंदोलन करना, संघर्ष करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है. नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन 9 अगस्त के उपलक्ष में पूर्व नागपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है यह है कि 9 अगस्त ये विश्व लेवल का त्यौहार है, नेशनल लेवल का त्यौहार है, इंडिजिनस पीपल डे इसको इंग्लिश में कहा जाता है. और इस त्यौहार का जो महत्वपूर्ण मैसेज है ये लोगों तक नहीं पहुँचा है, तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम इस त्यौहार का मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. और सरकार से मांग भी करते हैं कि नेशनल लेवल का त्यौहार होने के नाते संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्यक्रम पर्व मनाने के लिए हमको इजाज़त दी है, और इस भारत सरकार ने अभी तक कोई किसी प्रकार का 9 अगस्त पे छुट्टी घोषित नहीं किया है. तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक ये बताना चाहते हैं कि 9 अगस्त के दिन सरकार ने छुट्टी घोषित करें, यह हमारा इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है. ऐसा है कि नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन इसके उपलक्ष में हमने एक पूर्व नागपुर के क्षेत्र में बाइक रैली का एक आयोजन रखा गया है, और वो 11 बजे से तो 5 बजे तक चलेगी, और इसका समापन डिप्टी सिंगल में होगा, और वहाँ पर सामाजिक व धार्मिक संबोधन होगा, वो अंत में भोजन की भी व्यवस्था की गई है. तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम अपने सगा साथियों से, जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे,
जहाँ नेशनल गोंडवाना आदिवासी मूल निवासी सोशल मिशन पहुँचा नहीं, तो आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जाए कि 9 अगस्त की जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। जिस रैली में कम से कम 400 से 500 लोग रैली में सहभागी होने वाले हैं, और ये रैली की शुरुआत पार्टी भांडेवाड़ी समाज भवन से होगी और यहाँ से निकलेगी अपना एच बी टाउन से वाठोड़ा से चांदमारी से बिड़गांव, और बिड़गांव से फिर सत्यम नगर होते हुए 5 नंबर नाका, और 5 नंबर नाके से पुना पारडी हनुमान मंदिर चौक, और हनुमान मंदिर चौक से भवानी नगर होते हुए भरतवाड़ा चौक, भरतवाड़ा से महालक्ष्मी नगर और नवकन्या नगर से विजय नगर से भरत नगर, और भरत नगर से डिप्टी सिंगल, यहाँ पर इस रैली का समापन होगा और वहाँ पर सामाजिक व धार्मिक संबोधन होगा व अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, अंत में भोजन की भी व्यवस्था की गई है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। जिला परिषद स्कूल डोंगरी की एक छात्रा आरुषि ने कराटे खेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी प्रतियोगिता हाल ही में रामटेक में सम्पन्न हुई, जिसके बाद आरुषि की हर तरफ सुवर्ण पदक जीतने पर तारीफ हो रही है। 17वीं नागपुर जिला अष्टेदु मर्दानी कराटे खेल में प्रतियोगिता शिवकला हस्तकला हाल ही में रामटेक में संपन्न हुई। जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय डोंगरी की 6ठी कक्षा की छात्रा कुमारी आरुषि जितेंद्र जी शरणागत ने शिवकला हस्तकला कराटे खेल में सुवर्ण पदक जीता। कोच अजय खेरगटकर सर, राजूबा कावरे सर और कराटे टीम रामटेक को उनकी सफलता के लिए, उनके समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद दिया। जिला परिषद स्कूल डोंगरी की ग्रामीण छात्रा आरुषि की हर तरफ सुवर्ण पदक जीतने पर तारीफ हो रही है। डोंगरी स्कूल के प्राचार्य जावले सर, शिक्षक धोमेन सर, पुरुषोत्तम हटवार सर, तुलसी रेवार मैम ने उन्हें इस अनूठी उपलब्धि के लिए और उनकी भविष्य की सफलता के लिए बधाई दी। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह शहर में सक्रिय है। ठगों के कई रैकेट पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी ठगों की बातों में आकर मेहनत की कमाई गवा देते। अब सदर पुलिस ने 4 ठगों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सदर पुलिस थाना अंतर्गत इन 4 ठगों ने लोगों को अलग अलग संस्थाओं में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम ली, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। आरोपियों में गणपति नगर गोदनी निवासी सुनील श्रावण उइके, बैरामजी टाउन निवासी आशीष भिवाजी उइके, मनीष उइके और राकेश उइके का समावेश है। नेल्सन चौक निवासी फिलोमिना रेनफॉल्ड लोबी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। फिलोमिना का बेटा एविन लोबो नौकरी की तलाश में था। किलोमिना ने उससे मुलाकात की। सुनील ने बताया कि उसकी रेलवे में अच्छी पहचान है, नौकरी के लिए 12 लाख रुपये लगेंगे और दस्तावेज मांगे। कुछ दिनों बाद सुनील ने कोरोना के चलते नियुक्ति बंद है इसलिए थोड़ा समय लगेगा, बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर्यादी आहेत पिलोमिनो रेंडॉपल लोबो म्हणून, त्यांनी आणि 5-6 लोकांनी एक फिर्याद दिलेली होती पोलीस स्टेशनला। त्यांना 2 वर्षाआधी कोणीतरी नोकरी विविध ठिकाणी नोकरी लावून देतो म्हणून त्यांच्याकडून पैसे घेतलेले होते। त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांच्या फिर्यादवरून 420/34 गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्या गुन्ह्यामध्ये आमच्याकडे तो तपास सुरू आहे। त्याच्यातला जो आरोपी होता तो फरार होता आणि त्याने सेशन कोर्टामध्ये बेलसाठी अप्लाय केलेला होता। सेशन कोर्टमध्ये ते मॅटर पेंडिंग होतं आणि आम्ही सेशन कोर्टामध्ये आमची बाजू मांडलेली आहे आणि आम्ही भक्कम बाजू मांडल्यामुळे त्यांची जी बेल आहे ते बेल त्यांचीवाली तिथून नामंजूर झालेली आहे आणि आता आम्ही त्याच्यामध्ये लगेच तात्काळमध्ये आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। आज ते प्रेस क्लबला आले, ही कारवाई तुम्ही पूर्वीच केलेली होती का? ही कारवाई आम्ही पूर्वीच केलेली होती। केव्हा केलेली होती स्पष्ट करा। ज्या दिवशी आम्ही गुन्हा दाखल झालेला होता त्यानंतर आम्ही लगेच आरोपींचा आम्ही शोध घेत होतो, ते मिळून आलेले नव्हते आणि त्यांना जेव्हा या गोष्टीची जाणीव झाली त्यानंतर त्यांनी कोर्टामध्ये धाव घेतलेली होती आणि कोर्टामध्ये त्यांनी बेलसाठी अप्लिकेशन लावलेली होती आणि कोर्टमध्ये मॅटर पेंडिंग होतं
आता आम्ही तिथे आमची बाजू मांडलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आमची बाजू मांडून आम्ही त्यांची बेल नामंजूर केलेली आहे तिथून. आता लगेच आत्ताच जस्ट कोर्टामध्ये त्यांची बेल नामंजूर झालेली आहे आणि आता आम्ही लगेच आजमध्ये त्यांच्यावर आम्ही पुढची ॲक्शन घेत आहोत. आता त्यांना या गोष्टीची फिर्यादी लोकांना कदाचित माहिती नसेल की ते कोर्टामध्ये बेल मॅटर असल्यामुळे त्यांची अटकेची कारवाई बंद होती म्हणून, परंतु आता त्यांची बेल रिजेक्ट झालेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही कारवाई करत आहोत. त्यामध्ये आम्ही बराचसा तपास केलेला आहे, भरपूर आम्ही साक्षीदाराचे बयान वगैरे नोंद केलेले आहे आणि या तपासाला आम्ही प्रथम प्राधान्य देऊन तत्परतेने हा तपास आम्ही करत आहोत. आरोपीचे नाव होते त्याच्यामध्ये सुनील श्रावण उईके म्हणून एक मुख्य आरोपी आहे आणि इतर त्याचे नातेवाईक आहेत. लोकांना हेच आव्हान आहे की या पद्धतीचं या आरोपींनी जर कुणासोबत जर फ्रॉड केलेलं आहे आणि नोकरीच्या नावावर त्यांनी जर पैसे घेतलेले आहेत तर पोलीस स्टेशन सदरला त्यांनी संपर्क करावा आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांनाही त्यांची प्रकरणात चौकशी करून आरोपीविरुद्ध आम्ही कारवाई करणार आहोत. याच्यामध्ये आम्ही त्या लोकांना विचारपूस केली तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं आहे, हा त्यांना आरोपी सांगत आहे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये तो त्याला नोकरी लावून देतो म्हणून आणि हे सर्व फिर्यादी एक दुसऱ्याला ओळखतात. मग आधी त्यांना समजायला पाहिजे का बा तो वेगवेगळ्या डिपार्टमध्ये नोकरी लावून देतो, तर त्याची तात्काळ आम्हाला पोलिसांना माहिती दिली पाहिजे आणि कोणी अशा आम्ही त्याला बळी पडू नये की तो पैसे देऊन नोकरी लावून देत आहे म्हणून. आणि जर कोणी असं करत असेल तर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली तर कमीत कमी तो ज्या जास्त लोकांची फसवणूक करत आहे तेवढ्या लोकांची फसवणूक होण्यापासून आपण आधीच त्याला प्रिव्हेंट करू शकू आणि त्याच्यावर आम्ही तात्काळ कारवाई करू शकू. आम्हाला जेव्हा माहीत पडलं की अशी आमच्याशी फसवणूक झाली आहे तर आम्ही त्यांना पुष्कळ दिवसापासून पैसे मागण्याची मागणी करत होतो आणि आम्ही पोलीस स्टेशन वगैरे आम्ही आधी गेलो नाही कारण तो स्वतः पोलीस खात्यात असल्यावर आम्हाला धमकावू लागला की जा तुम्हाला जे करायचं आहे ते करून घ्या, पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट टाका. पण तो स्वतःच पोलीस खाजगीमध्ये असताना मग आम्हाला वाटलं की बा पोलीस पण काही ॲक्शन घेणार नाही आणि यांना पोलीसचे पूर्ण कानून कायदे माहीत आहे तर आम्हावर काही हे होणार नाही म्हणून तर मग आम्ही पोलीसला कंप्लेंट केली नाही. मग नंतर आमच्याशी बाकीचे लोक पण जुळले आणि मग आम्ही एक प्लॅन केला की बा आता पोलीसला सांगणं तिथे कंप्लेंट करणं आवश्यक आहे म्हणून आम्ही सदर पोलीस स्टेशनला गेलो. तिथे आम्ही तक्रार नोंदण्याकरिता गेलो तर आमची कंप्लेंट घेतली नाही. नंतर त्यांनी म्हणाले तिच्या PI साहेबांनी, चौधरी म्हणून साहेब आहेत सदर पोलीसचे PI, त्यांनी आम्हाला मानकापूर थाण्यात पाठवलं. आम्ही मानकापूर थाण्याला गेलो पूर्ण लोक. मानकापूरच्या मॅडमनी म्हणाले की बा ते जिथे राहतात तिथले तुम्ही कंप्लेंट करा, जिथे तुमच्याशी घटना घडली तिथे कंप्लेंट करा. मग असं करताना आमचा दिवस निघून गेला. दुसऱ्याही दिवशी आम्ही गेलो मग आम्हाला कुठून तरी सपोर्ट मिळत नव्हता. मग आम्ही प्लॅन केला की CP मॅडमकडे CP ऑफिसला जायचं आणि तिथे आपली तक्रार नोंद करायची, वरतून यांच्यावर प्रेशर करायचा. तिथे आम्ही गेलो पहिल्या दिवशी आम्हाला काही तिथेही काही सपोर्ट मिळाला नाही. पण तक्रार नोंदली आम्ही CP ऑफिसमध्ये गेलो, तिथे आम्हाला मॅडम मिळाले दुर्जे मॅडम, त्यांनी आमची कॉपी घेतली रिसिव्ह करून दिली आणि त्यांना डायरेक्ट त्यांनी फोन लावून मग तिथे त्यांना आम्ही जेव्हा भेटलो त्याच्यानंतर सदर साहेबांनी आमची तक्रार घेतली. तुम्हाला किती लाखांनी त्यांनी फसवलं, कुठे नोकरी लावून देतो ते असं तो बोलला. मला त्यांनी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये नोकरी लावून देतो म्हणून असं म्हणाला, ठीक आहे. आणि मला तेव्हा मी एकटा व्यक्ती होतो आमच्या वस्तीतून. मग नंतर माहीत पडलं की बा माझ्यानंतर 1, 2, 3 आणि म्हणाले की 300 लोकांचं मी काम करून बसलं. म्हटलं हे काही पॉसिबल नाही आहे म्हणून. किती लाखांनी फसवलं तुम्हाला त्यांनी? सर मी त्यांना 25,000 रुपये दिले आहे नोकरी करीत. मी त्यांना गुगल पे केला आणि काही कॅश केला. टोटल अमाऊंट माझी 25,000 रुपये आहे पण माझ्यासारखे आणखीन पण लोक आहे. कोणी 5 लाख, कोणी 10 लाख, कोणी 15 लाख, कोणी 70,000, कोणी 80,000 असे करता करता मला वाटते की जवळपास कोटी रुपयांच्या वरती. किती लोकांची फसवणूक जवळपास केली? मी ज्यांच्या संपर्कात आता आहे मला असं वाटत आहे, मला कन्फर्मली आहे की 15 ते 20 लोक आता सध्या प्रेझेंट आहे. पण त्याच्यातून बाकीचे लोक पण हे पोलीस खाजगीमध्ये असल्याने कोणी समोर येत नाही आणि समोर येऊन कोणी संवाद करत नाही आहे कोणाशी आणि यांच्याकडे गेलं तर हे धमक्या देतात. ठीक आहे. 1,20,000 की रुपये से उन्होंने ठगाया है. मैं कृष्णा पेंदम, मैं आदिवासी नगर गोंडवाना स्क्वायर पे रहता हूँ. वहाँ पे आशीष भिवाजी उईके से मेरा मतलब अच्छा पहचान है. तो उन्होंने मेरे घर पे एक वक्त आए थे तो वो बोल रहे थे कि मेरे काका मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी में वहाँ लगा देते मतलब जॉब. तो वो आए थे और उन्होंने मेरे को बताया था. फिर उन्होंने अपने जो उनकी शॉप है जिंजर मॉल में वहाँ उनसे मतलब मुलाकात कराई थी और वहाँ पे जितना भी जो जॉब का है WCL में रात्रि की जगह निकली है उन्होंने पूरा उसमें डिटेल्स बताया था और 6 लाख रुपये लगेंगे करके बताया था. और पहले 1 लाख रुपये देना है और बाद में बाकी के रुपये देना है बोले जॉब लेटर लगने के बाद. और 6 महीने हो जाने के बाद जैसा जैसा मेरे को पता चल रहा
कि मतलब काम नहीं हो रहा है, टला रहे ये वो, तो मैंने पैसे की बात करने चालू किए तो तब पता चला कि अभी काम होगा, ऐसा करते करते उन्होंने मेरे से ढाई साल मतलब ले चुके हैं। और फिर बाद में उन्होंने बोला है जा बोले जो कर रहे हैं बोले कर बोले, मैं भी देखता हूँ बोले तू कैसे पैसे निकालता है करके। मैंने पुलिस में शिकायत की बट सदर में जब हम लोग गए थे कंप्लेंट डालने में तो सदर में पुलिस कंप्लेंट ले नहीं रहते, और सुनने में है कि वो सस्पेंड है पुलिस वाला। अब ये मांग यही है कि हमारे से जल्द पैसे मिल जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाना चाहिए। ओके बस आमचे वस्ती तीन भाऊ रहता आमचे मित्र होते त्यांनी आम्हाला म्हटलं की आमच्या काकाजी नोकरी लागून देत आहे म्हणून सांगितलं। मी म्हटलं असं तर होत नाही, त्यांनी आम्हाला नेलं, त्यांच्यासून भेट करून दिली, त्यांनी आम्हाला खूप कन्व्हिन्स केलं की नाही असा एकच सीट आहे, होऊन जाईन पाय आता वय निघून जात आहे असं म्हणून सणाने आम्हाला त्यांनी त्याबद्दल सांगितले। एवढे पैसे 11 लाख रुपये लागण म्हणत होते, म्हटलं एवढं तर आपली ऐपत नाही द्यायची, तो म्हणे कमीत कमी, मी म्हटलं नाही आपली ऐपतीच नाही, तो म्हणजे त्यांनी 50,000 रुपये नगदी कॅश घेतली आणि 2 वेळा चालनाच्या नावावर खाल्ले 21,600 आणि 20,000 असं चालन म्हणून सरांनी 2 वेळा पैसे भरायला लावले। कुठला मध्यस्थी व्यक्ती होता की ज्या माध्यमातून त्या व्यक्तीशी तुमची ओळख झाली? आशिष उईके आणि मनीष उईके, त्यानं म्हटलं की एनएमसी मध्ये जागा आहे म्हणे एक व्यक्तीसाठी, नाही त्याचं नाव नाही सांगितलं, माझी बायको आणि मुलगी आहे म्हणे ते त्यांनी काम घेतलंय म्हणे नोकरी लावून जायचं, त्यांना दुसऱ्याचं नाव नाही सांगितलं। आम्हाला काम भेटलं म्हणे जो सेवा निवृत्ती होते म्हणे जागा खाली होते म्हणे ते पद भरणे आम्हाला काम भेटलंय म्हणे, जे रिटायरमेंट होतात ना म्हणे ते जागा भरण्यासाठी जे जागा लवकर भरत नाही म्हणे म्हणून हे असं हे काम झालेलं आहे म्हणे, आणि ते काम माझी बायको आणि मुलगी आणि आम्ही मी मध्यस्थी आहो म्हणे आणि त्यांच्या मदत करत आहो म्हणे। कोण बोलले असं, त्यांचं नाव काय? सुनील श्रावण विके। पहिले माझ्यासून 50,000 रुपये घेतले, 6 महिन्याचा वेळ मागितला त्यांनी, 6 महिना तुम्हाला नोकरी लावून देईन नाही तर तुमचे पैसे वापस, आणि जसंही तुम्ही पैसे देत आहे म्हणे हे तो फक्त आहे म्हणे तुम्हाला अगर ड्युटी लागलाच म्हणे हमी दिली, आणि जसं ड्युटी लागली तर तुम्ही इन्स्टॉलमेंटनं पैसे द्याल नाही तर 6 महिन्यानंतर लोन काढून सणांनी पूर्ण पैसे पेड कराल 11 लाख रुपये। लेटर येतच आहे, इथं अटकले आहे, तिथं अटकले आहे, कोरोना आहे, जेपीमध्ये अटकला आहे, कलेक्टर ऑफिसमध्ये झाड पडला, इंटरनेट सेवा बंद आहे असे आम्हाला टाळाटाळ करत होते। आता सध्याच्या ते बम फुटला जीपीमध्ये, आता हे मागच्या महिन्याच्या हे लेटेस्ट आहे, आमच्या रेकॉर्डिंग बी आहे त्याची वाली। मी जेव्हा 50,000 रुपये दिले तो माझ्यासोबत माझा भाऊ मयूर उईके आणि तो मनीष उईके सोबतच होते, आणि मी जेव्हा पैसे दिले त्यांना कडवी चौकच्या बँक ऑफ इंडिया याच्यात त्यांना 40,000 रुपये टाकले त्याच्या अकाउंटमध्ये, आणि 10,000 रुपये त्याने ठेवले, आणि बाकी मी स्लिप भरून सांगितले एसएस बँकमध्ये त्याच्या पोरीच्या नावावर अकाउंट आहे त्याच्यात 20,000 आणि त्याच्या नावावर 21,600 रुपये टाकले त्याची स्लिप माझ्याकडे आहे। मेरे लड़के को इन्होंने बोले की भाई वहां नौकरी लगने वाली है राकेश और गोलू ने आशीष विके ने, तो मेरे लड़के ने मेरे को आके बोला की भाई पापा ऐसी ऐसी बात है और ये लोग नौकरी, मैंने बोला भाई पैसे लेकर के नौकरी नहीं लगती है, ये किसने बताया तुमको? तो वो बोले नहीं, बोले वो बोल रहे, बोले तुम्हारे इनके ऊपर विश्वास मत करो, ये लोग मतलब ठगी का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो फिर वो उसने क्या किया कि मेरे अगेंस्ट में मेरे बड़े भाई के लड़के दीपक कश्यप के लड़के को, जीतू कश्यप को पकड़ के इन्होंने बोले कि भाई तू ये इनका काम कर ले और इनको बोल कि ये नौकरी लग रही है करके। तो उसने आकर के फिर मेरे बड़े लड़के को बोला कि नहीं ये बात 100% पक्की है और मेरे भी WCL में उन्होंने नौकरी का काम करे है तो तेरा भी कर देते करके, ऐसा करके इन्होंने बोले। और उसने फिर पैसे लिया, 8 लाख रुपये मांग रहे थे, 8 लाख में से इन्होंने 53,000 रुपये मेरे लड़के से लिए है और मेरे छोटे भाई राजेश कश्यप से इन्होंने 52 लाख रुपये लिए। और इस प्रकार से हम जो मांगने जा रहे हैं इनके पास पैसे तो ये बोलते हैं कि जाओ तुमसे जो करना है कर लो, बोलते हैं हम पैसे नहीं दे सकते और नौकरी भी नहीं है तुम्हारी, ठीक है। और इनकी माँ आई सरस्वती बाई उईके, ये बोलती है कि अभी पुलिस वेरिफिकेशन का पैसा दो, बोले 3-5,000, हम बोले अभी पैसे नहीं है, तो बोले तुम कैसे भी करके दो, बोले लेकिन बोले तुमको नौकरी के पैसे तुम्हारे कागज रुके हुए ले तो उसको निकालना है और पुलिस वेरिफिकेशन का पैसा उनको देना है। ऐसे ये लोगों ने कम से कम 200-300 लोगों को फंसाए, खदान के लोगों को, खदान के लोगों को कम से कम 30 लोगों को फंसाए। क्या क्या नाम है जो है? राहुल पेंदाम, क्या नाम तेरा? दीपक उईके और मयूर उईके, घनश्याम परदेकी और ऐसे कमलेश मसराम, राजेश इनाते, राजा इनाते, मयूर गेडाम, ऐसे बहुत से लोगों को फंसाया इन्होंने, खुद के सगे भाई को भी फंसाए, दिनेश विके को। ये कहाँ रहता? ये सब रहते हैं खदान में रहते हैं। और ये जो आरोपी है, आरोपी है मेन आरोपी, वो गोदनी में रहता,
गणपति नगर में। क्या करता था ये आरोपी? ये पुलिस वाला सस्पेंड पुलिस वाला नौकरी से रिजाइन हुआ है, और वो जो मनीष विके वो भी क्या बोलते नौकरी से रिजाइन है, वो भी वहाँ पे भी उसने यही काम किया था। गोदनी में कहाँ रहते? ये गोदनी में गणपति नगर। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आप सभी का स्वागत। सोमवार को श्रावण के पहले दिन प्रकाश गजबीय खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया और कुछ देर बाद उन्हें चक्कर आ गया। उनकी पत्नी चमेली प्रकाश गजबीय हाल ही में रामधान आए और चंद्रपाल चौकसे से आर्थिक मदद की मांग की। खास बात यह है कि मदद की गुहार लगाने के तुरंत बाद पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे ने मदद का हाथ बढ़ाया और इलाज के लिए आर्थिक मदद की। पारशिवनी तालुका में जिला परिषद स्कूल के सभागार में जिला कलेक्टर नागपुर आर विमला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी GP नागपुर योगेश कुंभेजकर के आदेश पर 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि और लोकतांत्रिक अन्नाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव मनाया गया। हर घर तिरंगा की पहल शुरू की गई थी। सबसे पहले स्वशासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेहमानों द्वारा लोकप्रिय बाल गंगाधर तिलक की छवि की पूजा करके उन्हें सलामी दी गई, जिन्होंने अंग्रेजों को आश्वासन दिया था कि वे इसे प्राप्त करेंगे, और लोकतांत्रिक अन्नाभाऊ सत्ता, जिन्होंने समाज को प्रबुद्ध किया कि आप गुलाम नहीं है, आप निर्माता है, यह असली दुनिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सुभाष जी जाधव, मुख्य अतिथि संतोष बोरकर, प्राजक्ता गिरगु से प्राचार्य धनराज कलसेत, मनीष दुपारे स्वच्छता विभाग। इस अवसर पर अध्यक्ष सुभाष जी जाधव ने कहा कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक कराना है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का अमृत है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर घर में तिरंगा लाना है। यह 11 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाना है और हर घर तिरंगा लहराया जाता है। वीकेबी न्यूज के लिए पारशिवनी से कमल यादव की रिपोर्ट। रामधाम में बाबा बर्फानी मंदिर, जो एक पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे द्वारा बनाया गया था, महाराज मंडली द्वारा 1 अगस्त को सोमवार के पहले दिन दर्शन के लिए खोला गया था। इस मौके पर चंद्रपाल चौक से संध्या, चंद्रपाल चौक से महाराज मंडली समेत सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे।
यहां सुबह 10 बजे से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। शुरुआत में पर्यटन मित्र चंद्रपाल चौक से मौजूद रहे डब्ल्यू मारुति मेंगरे महाराज, कैलाशपुरी महाराज, संत तुकाराम महाराज, विष्णुगिरी महाराज को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मारुति मेंगरे महाराज का कीर्तन हुआ और तत्पश्चात दही काला कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद चौकसे दंपति और महाराज मंडली के साथ नागरिकों ने बाबा बर्फानी के मंदिर में प्रवेश किया और यहां महाराज मंडली ने पूजा की और उसके बाद बाबा बर्फानी की अलमारी खोली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने वहां दर्शन का लाभ उठाया। इसके तुरंत बाद महाप्रसाद के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वक्त रामधाम के संस्थापक चंद्रपाल चौक से, संध्या चौक से हनुमानचंद आदमरे, पीटी रघुवंशी, दामोदर धोपटे, मनोज नौकरकर, आरिफ मालाधारी, नसीर शेख, नीलकंठ महाजन, मोहन कोटेकर व हजारों भाविक भक्तगण उपस्थित थे। मोदा तालुका के नवेगांव आष्टी यद्दी में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह बापूजी बोवा के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाग पंचमी पिछले 4 से 5 पीढ़ियों से नवेगांव आष्टी में मनाई जाती है। नाग पंचमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आष्टी के दर्शन करने आते हैं। नाग पंचमी में गाँव के लोग डिंडी निकालकर जन जागृति करते हैं। इस वक्त भजन गाकर गाँव के लोग बड़ी उत्साह से इसमें शामिल होते हैं। नागपंचमी सण कमीत कमी 4 ते 5 पिढ्यांपासून हा सण साजरा करत आहोत। आम्ही नागपंचमीच्या दिवशी नागाची पूजा करून नागाला खूप मानत असतो। माझी एक सर्वांना विनंती आहे की नागपंचमीच्या दिवशी कोणीही नागाला मारू नये, कारण आपण नागपंचमी दिवशी नागाचीच पूजा करतो। आमच्या ज्या ठिकाणी नाग मंदिर आहे त्या ठिकाणी अचानक ते घटना घडून आली। एखाद्या चुलीमध्ये उदाजी बाबांच्या पत्नीच्या हाताने एक चूक झाली, त्या चुकीमुळे त्या ठिकाणी ते नागाचं पिलू हे जळन पावलं। त्याच्यामुळे त्यांनी उदाजी बाबांनी खूप त्यांच्यावरती भक्ती केली आणि त्या भक्तीच्या जोराने आज त्या ठिकाणी ते नाग मंदिर आहे। आणि आम्ही त्याच नाग मंदिरामध्ये आज कमीत कमी 4 ते 5 पिढ्यांपासून आम्ही तो सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करत असतो। आणि या दिवशी आम्ही भावी भक्तांसाठी आम्ही छोट्याशा ग्राउंडमध्ये सोल्याचं उसळ म्हणून हे आम्ही त्यांना खाऊ घालतो। कोणी बाहेरून येते, कोणी लांबून येते, त्यांच्याकरता आम्ही थोडासा उपहार म्हणून त्यांचं मन साजरा करतो आणि भावी भक्तांचं या ठिकाणी मी सर्वांचं स्वागत करतो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि और अन्नाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर श्री राम विद्यालय रामटेक में सारस्वत विद्यार्थी मंडल द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राध्यापक एवं प्राचार्य विजय ठेंगारी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महेश सावंत सारस्वत, छात्र मंडल अध्यक्ष बबलू यादव मंच पर उपस्थित थे। बबलू यादव ने परिचय दिया। भाषण प्रतियोगिता में कुल 22 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने लोकमान्य तिलक के जीवन पर आधारित बहुत अच्छी जानकारी दी। पूर्व प्राचार्य श्रीमती मणिकताई काशीकर ने अपनी ओर से विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। श्रीमती ज्योत्सना सालवे ने बहादुरी से कार्यक्रम का संचालन किया। अमोल बोबड़े ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। भाषण का संचालन राहुल गवई, श्रीमती निलजा कोल्हे, कैलाश कुर्जेकर ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षकों, छात्रों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया। वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।